दोस्तों, अब भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मुकाबलों की सीरीज के बाद हमारी भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने वाली है। और दोस्तों, ये टेस्ट मुकाबले भारत में होने वाले हैं, जिसके लिए इंग्लैंड की पूरी टीम भारत आने वाली है। और दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ पहले दो टेस्ट मुकाबलों के लिए BCCI ने भारतीय टीम घोषित कर दी है। और अब भारतीय टीम के स्क्वाड का अनाउंस होने के बाद भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने भारतीय टीम की प्लेइंग 11 का भी ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज कब, कहां और कितने बजे से खेली जाएगी। और दोस्तों, इसी के साथ आपको ये भी बताएंगे कि शुरुआती दो टेस्ट मुकाबलों के लिए भारतीय टीम के स्क्वाड में किन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। और दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले के लिए भारतीय टीम की फाइनल प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है, इस वीडियो में हम आपको पूरी खबर बताने वाले हैं। तो ये वीडियो काफी रोमांचक और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो इस खबर की जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो ये दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप भी रोहित शर्मा को भारतीय टीम का एक सफल कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच ये पहला टेस्ट मुकाबला कब, कहां और कितने बजे खेला जाएगा। तो दोस्तों, ये पहला टेस्ट मुकाबला आपको 25 जनवरी से 29 जनवरी तक देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों, ये पहला टेस्ट मुकाबला राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि दोस्तों दूसरा टेस्ट मुकाबला 2 फरवरी से 6 फरवरी तक खेला जाएगा। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि BCCI ने इन टेस्ट मुकाबलों में कौन से खिलाड़ियों को भारतीय टीम की तरफ से खेलने का मौका दिया है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि इन टेस्ट सीरीज में आपको रोहित शर्मा ही भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए नजर आने वाले हैं। और दोस्तों, इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि इन टेस्ट मुकाबलों में आपको शार्दुल ठाकुर और प्रसिद्ध कृष्णा देखने को नहीं मिलने वाले। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मुकाबलों में शार्दुल ठाकुर और प्रसिद्ध कृष्णा को शामिल किया गया था, लेकिन दोस्तों इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी गेंदबाजी से साउथ अफ्रीका के खिलाफ कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था, जिस वजह से अब BCCI शार्दुल ठाकुर और प्रसिद्ध कृष्णा को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मौका नहीं देना चाहती। और दोस्तों, इसके अलावा आपको ईशान किशन भी भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में खेलते हुए नजर नहीं आने वाले, जबकि दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ भी आपको इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में दिखाई नहीं देने वाले, क्योंकि दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ अभी पूरी तरह से फिट नहीं हुए हैं। तो दोस्तों, इन सभी खिलाड़ियों के बाहर होने के बाद अब आपको भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करते हुए दिखने वाले हैं रोहित शर्मा और शुभमन गिल। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपको रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम की ओपनिंग करते हुए नजर आने वाले हैं। और दोस्तों, तीसरे नंबर पर आपको दिखाई देने वाले हैं सचिनी जायसवाल। जैसे कि आप जानते हैं कि सचिनी जायसवाल ने अपने डेब्यू टेस्ट मुकाबले में काफी शानदार प्रदर्शन किया था और साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी टेस्ट मुकाबले में काफी शानदार बल्लेबाजी की थी। तो दोस्तों, आपको चौथे नंबर पर विराट कोहली नजर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली भारतीय टीम के सबसे शानदार बल्लेबाज हैं और साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मुकाबलों में विराट कोहली ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा के रख दी थी। तो दोस्तों, आपको पांचवें नंबर पर भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज KL राहुल दिखाई देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, KL राहुल एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो विकेट के आगे और विकेट के पीछे दोनों तरफ कमाल का प्रदर्शन करते हैं। तो दोस्तों, नंबर 6 पर आपको भारतीय टीम के ऑलराउंडर रविचंद्र अश्विन दिखाई देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, रविचंद्र अश्विन ना ही सिर्फ अपनी गेंदबाजी से कमाल करते हैं, वो अपनी बल्लेबाजी से भी काफी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो दोस्तों, नंबर 7 पर आपको भारतीय टीम के दूसरे ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा दिखाई देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, रविंद्र जडेजा भी कमाल की स्पिन गेंदबाजी करते हैं और साथ ही काफी शानदार बल्लेबाजी करना भी जानते हैं। तो दोस्तों, नंबर 8 पर आपको भारतीय टीम के तेज गेंदबाज अक्षर पटेल दिखाई देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि अक्षर पटेल ने अफगानिस्तान के खिलाफ T20 मुकाबलों में शानदार गेंदबाजी की थी, हालांकि उन्हें बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला, पर अब इंग्लैंड के खिलाफ आपको अक्षर पटेल की गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों दिखाई देने वाली है। तो दोस्तों, आपको 9वें नंबर पर भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव दिखाई देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, कुलदीप यादव कमाल के गेंदबाज हैं जो कि किसी भी बल्लेबाज को टिकने का मौका नहीं देते हैं। तो दोस्तों, आपको 10वें नंबर पर भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शिराज दिखाई देने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मोहम्मद शिराज काफी शानदार गेंदबाज हैं
और अब एक बार फिर से मोहम्मद शियास की वापसी इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मुकाबलों में होने वाली है। तो दोस्तों आपको 11वें नंबर पर भारतीय टीम के तीसरे तेज गेंदबाज मुकेश कुमार दिखाई देने वाले हैं। जी हां दोस्तों, मुकेश कुमार भारतीय टीम के शानदार गेंदबाज हैं, जो कि डेथ ओवर्स में शानदार यॉर्कर्स डालकर किसी भी बल्लेबाज को टिकने का मौका ही नहीं देते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी भारतीय टीम की फाइनल प्लेइंग 11, जो कि इंग्लैंड को अपने पहले टेस्ट मुकाबले में कुचलने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और क्रिकेट का नाम लेते रहिए।